अस्सलाम वालेकुम वर्स, आज मैं आपको जो डिज़ाइन बताने लगी हूँ उसमें हम लेंथ वाइज जो है वो 3 इंच फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे। सबसे पहले जो हमने फोल्डिंग के लिए नीचे कपड़ा रखा हुआ उसको हम बेंड करेंगे। उसके बाद हमने 9 इंच पे एक निशान लगाना है, इस साइड से भी 9 इंच पे लगेंगे निशान। हम यहाँ से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ से काउंट करेंगे तो 3 इंच पे, उधर भी 3 इंच, यहाँ पे भी 3 और यहाँ भी 3। सीजर से इसको कट कर लेंगे। ये जो हमने सेपरेट किया है इसको हम फिल करेंगे। फिल करने के लिए हमने ये लेस है इस तरह की, ये दोनों साइड्स जो हैं वो फैब्रिक के साथ अटैच हो जाएंगे और सिंपल ये वाली जो लाइन है ये नज़र आएगी। ये 3 मीटर जो है वो इसकी लेंथ है लेस की। जब हम इसको लगाएंगे वो 3 मीटर जो है वो 3 लाइंस हैं, तो 3 मीटर जो है वो इसमें पूरी आएगी। जब हम ये रॉन्ग साइड जो है उसके ऊपर रखेंगे तो ये हमने सिलाई पहले इसके साथ लगानी है, फिर ये इस तरह फोल्ड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट जो हमने फैब्रिक लगाना है वो हम इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह। तो ये जब इस तरह फोल्ड होगा तो ये सिलाई जो है वो इसकी अंदर से नज़र आएगी। ये ट्रोज़र की जो राइट साइड है वो हमने ऊपर रखी है, और जो लेस की ये रॉन्ग साइड है वो हम ऊपर रखेंगे। 1/2 इंच पे इसकी सिलाई लगेगी। अब इसको हम सीधा करेंगे और ये जो राइट साइड है इसकी इसके ऊपर हम उल्टा कर देंगे। ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है, इस तरह आपकी पाइपिंग जो है इसमें से ये स्पेस नज़र आएगी। अब हम लास्ट में इसकी जो है एंडिंग जो है ये बेंडिंग इसकी कर लेंगे। यहाँ से भी जब आपने मैयर करना है तो सब ये लाइनिंग जो है वो इक्वल आएंगी। अगर मैया किए बगैर आप लगाएंगे तो फिर ऊपर नीचे हो सकती है, इस तरह आपकी लुक जो है वो बिल्कुल सेम आएगी।